हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे किस तरह से हम किसी भी टोन के ऊपर एक अच्छा सा इफ़ेक्ट या उसके ऊपर हम इफ़ेक्ट वगैरह किस तरह से लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे हमारे प्लस के आइकन पे और मान लीजिए मैंने ले लिया एक हार्मलेस। तो जैसे ही मैंने हार्मलेस लिया तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट पे, आप इसको डिफ़ॉल्ट पे ले जाइए। ये डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट पे आ गया है, ठीक है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट है। मैं इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो ये ठीक है, ये इस तरह से इसका डिफ़ॉल्ट है। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, आप इसको चैनल के इस चैनल यहाँ पर आप इसको पकड़ेंगे और ये इसको घुमाएंगे, आप इसको घुमाएंगे, आप घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, आप इसको किसी एक चैनल पर लाकर छोड़ देंगे। तो आप जैसे ही देखेंगे कि ये 6 नंबर पे आ गया, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसको थोड़ा मैं सुधार लूँ। तो आप इसको ऑन कीजिए, हम यहाँ से सिर्फ इसको बढ़ाएंगे लेगाटो। टिम्बर को हम थोड़ा सा डबल साउंड कर देते हैं, मास्किंग और प्लग को फुल। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको और कभी करते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर पे। हालांकि मैंने इसका हार्मलेस का वीडियो भी डाला है टोन बनाने के ऊपर। तो अब हम इस 6 नंबर पे आ गए। 6 नंबर पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर है इंसर्ट। तो हमारे पास 10 स्लॉट है, हम इस 10 स्लॉट में 10 इफेक्ट लगा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो हम यहाँ पर 6 नंबर पे गए, 6 नंबर पे हमने टोन बजा के देखी, ये हमारे 6 नंबर पे बज रही है, इंडिकेशन आ रहा है। हमने इसमें थोड़ा सा रिवर्ब लगा दिया, फ्रूटी रिवर्ब 2, हमने फ्रूटी रिवर्ब लगा दिया। इसको वेट फुल कर देते हैं, ठीक है। चाहे तो हम इसको वेन्यू पे ला के लो काट देंगे थोड़ी सी, ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा टेस्ट के हिसाब से। बाकी आप यहाँ पर डीले भी लगा सकते हैं हल्का सा, डीले के लिए आप यहाँ से अप्लाई किया तो ये झटके से इसको थोड़ा सा रिटर्न कम करते हैं, ये भी ज़्यादा हो गया। तो हम इसको लगाएंगे सेट, देखते हैं, स्टेप 1, स्टेप 3। स्टेप 3 के इसकी वॉल्यूम को हम इसको पिंग पोंग कर देते हैं और इसकी वॉल्यूम को हम यहाँ से कम करेंगे दोस्तों, ठीक है, और कम कर दें, ये ठीक है, हो गया। उसके बाद हम चाहें तो हमारा जो कंप्रेसर है, हम कंप्रेसर लगा सकते हैं। कंप्रेसर क्या करता है दोस्तों, इसको नहीं लेते हम, आपको डिजिटल बताते हैं, फ्लोटी लिमिटर। तो ये कंप्रेसर हमारा ये रहा। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि कुछ टोन का जो आवाज़ है वो तो ऊपर चल गया और कुछ टोन का आवाज़ आपको दब गया। तो हम क्या करेंगे, हम एक लेवल सेट कर देंगे कि जैसे यहाँ से हमने इसको लेवल सेट किया, थ्रेशोल्ड हम यहाँ पर लगाएंगे और रेडिएशन इसके नीचे कर देते हैं। तो ये इसको जितना भी इसके नीचे आएगा ये इसको डिक्रीज करता जाएगा, मतलब इसको एक लेवल पे लेके आएगा। देखिए कैसे, ठीक है, तो ये इसको एक लेवल पे लेके आएगा, ठीक है, हमने कंप्रेस कर लिया। उसके बाद हम इसमें फेजर लगा सकते हैं, फेजर के बाद हम इसमें फ्लेंजर लगा सकते हैं। इसको बंद कर देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, और इसके अलावा मैं इसमें फ्लेंजर फ्लेंजर लगाऊंगा, कम लगा देंगे इसको, इसको फुल कर आधा कर देंगे। और हम इसमें क्या लगा सकते हैं दोस्तों, हम इसमें कोरस लगा सकते हैं, तो ये हमने टोन बना ली हमारी। उसके बाद हम इसको ऑन कर देते हैं। हालांकि इसके नीचे भी ये सारा सेटअप आपको दिया हुआ है, इसमें भी आप इसको छेड़ सकते हैं। मैंने आपको इसको अलग से एडिट करना बताया है कि आप एक स्लॉट में लेके जाकर इसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं।
तो इसी तरह से मैंने इसमें एक 52 गज वाला जो गाना था उसका एक प्रीसेट बनाया हुआ है, जैसे 52 गज, तो मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। हालांकि मैंने इसको पूरा ही उसी के ऊपर डिपेंड करा था, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए, और दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से डिटेल से समझाने के लिए आपको लेके चलता हूँ कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी के। ठीक है, कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी पे हम आते हैं, तो कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी पे मैं अच्छा सा एक रिलोड कर लेता हूँ। इसको बैक लेके जाते हैं, और ये हमारा रोल एंड टोन है, और ये हमने इसमें से निकाली हमारी, चलिए बेंजो नहीं, चलिए सेक्सोफोन, सेक्सोफोन ले लेते हैं। ठीक है, सेक्सोफोन, ठीक है, ओके। ये ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम थोड़ा सा और क्रंची कैसे बनाएंगे। तो हम इसको ले जाएंगे 1 नंबर पे, ठीक है, 1 नंबर पे हम इसको लेके गए, हमने यहाँ से इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद हम इसके जो स्लॉट हैं, इस स्लॉट पे हम एक फ्रेश एयर लगाएंगे। तो ये फ्रेश एयर क्या करता है दोस्तों, देखिए पहले इसकी आवाज़ ऐसी है, और अब जब मैं इसको फुल करूँगा, देखिए फुल हाफ, अब देखिए इसके बाद, मतलब ये थोड़ा सा जादू इस तरह से करता है कि ये देखिए इसकी नॉर्मल आवाज, और ये मैंने इसको ऑन किया है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इसकी क्रंची आवाज। बाकी आप अपने टेस्ट के ऊपर देख लीजिएगा, फ्रेश एयर है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस VST से इसको नहीं कर सकते तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, EQ कर देंगे। हम EQ पे जाएंगे, EQ करेंगे हम, तय हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो ये भी उस तरह से ही आपका काम। तो इस तरह से आप अपनी टोन को एडिट कर सकते, सॉरी मॉडिफाई कर सकते हैं। और आप यहाँ पर कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लीजिए, आप वहाँ पर, यहाँ पर इसको सीरियल नंबर पे लेके जाइए, किसी भी ट्रैक पर लेके जाइए। ट्रैक पर ले जाने के बाद आप वहाँ पर अपना खुद का एक प्रीसेट, सॉरी प्रीसेट क्या, आप अपना टोन का जो इफेक्ट है आप यहाँ पर लगाएंगे, और आपका टोन बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। तो दोस्तों ये FL स्टूडियो के लिए हमने एक ट्यूटोरियल डाला है, तो ये इस तरह से आप इसको टोन को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, तो एक कमेंट तो बनता है दोस्तों।